किसी भी चीज की लत तब होती है जब उसका जरूरत से अधिक इस्तेमाल होने लगे और जब उसके बिना जिंदगी में कुछ अधूरा सा लगने लगे। चाय कॉफी के एडिक्शन की तरह ही अब लोगों को गेम्स का एडिक्शन भी होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेमिंग एडिक्शन के नुकसान और उससे हम कैसे बच सकते हैं। ये रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर है। दोस्तों, कई लोग सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक फोन या लैपटॉप की कैद में रहने लगे हैं। कुछ काम करते वक्त जरा से ब्रेक में भी लोग गेम्स खेलते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसे लोग कई बार अपने गेम्स की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी इन्हें याद नहीं रहते। अगर इस स्थिति को समय पर नियंत्रित ना किया गया तो ये बहुत तनावपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, गेमिंग एडिक्शन एक ऐसा एडिक्शन है जिसपे व्यक्ति घुसता ही चला जाता है। अति किसी भी चीज की हो, एक सीमा के बाद वो बुरी जरूर हो जाती है। तकनीकों के विस्तार ने हर काम को जितना आसान बना दिया है उतना ही लोगों को आराम प्रस्त भी बना दिया है। उसी तरह गेमिंग की लत व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक तौर पर बीमार कर रही है। गेमिंग एडिक्शन के कई नुकसान हैं दोस्तों। एकाग्रता में कमी आना, नींद की समस्या, समाज से कटना, चिड़चिड़ा होना आदि। दोस्तों, हम गेमिंग एडिक्शन से बचने के लिए कई उपाय कर सकते हैं, जैसे लोगों से जितना अधिक हो सके मेल जोल बढ़ाएं, अपने कार्यों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें तथा उसका गंभीरता से पालन करें, बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल न करने दें और उन पर नजर भी रखें। अगर तमाम कोशिशों के बावजूद भी इन डिजिटल गेम से दूरी ना बन पा रही हो तो किसी मनोवैज्ञानिक सलाहकार की मदद लेने में हिचकिचाए नहीं। दोस्तों, सेहत से संबंधित सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल आरवीए हिंदी को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।